गाइस ये ऊंचा पहाड़ है बिल्कुल ही हमारी हॉल के सामने जहाँ हम रुके थे, और ये बिल्कुल ऊंचा पहाड़ है, और ये है वो ब्रिज जहाँ से हम जाएंगे, और फिर वो वहाँ से होते वो बैक साइड में उस तरफ जाना हमने, और ये नदी बह रही है, एक नंबर व्यूज है। से निकलते ही थोड़ी दूरी पे ही चेक पोस्ट थी, यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ा और फिर हमने यहाँ से करा आगे को कंटिन्यू, तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है। तो वेल एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, हम आ रहे हैं वहाँ नीचे चढ़ते हुए, ये नानू जी भी थक के बैठे हैं, वो वहाँ से आ रहे हैं और हमने जाना वो पर, और चढ़ते ही जाना अभी मेरे ख्याल से एक आधा किलोमीटर आएंगे चढ़ के। हालत पतली है, हवा बहुत ठंडी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। बाकी निकलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या करते हैं हम, थके भाई। सो गाइस, हम गोविंद घाट से आ गए हैं अराउंड 7-8 किलोमीटर दूर, और हम यहाँ बैठे थे थोड़ी देर, थक गए थे, पानी वानी पी रहे हैं, और यहाँ से हमारी नज़र गई है वो देखो ऊपर, वो देखो बर्फ का पहाड़, हमें वहीं जाना है, वो है हेमकुंड साहब। तो गाइस, 7-8 किलोमीटर आने के बाद गोविंद घाट से ये रास्ते में पुल आता है, वो नया वाला पुल है, ये मस्त नदी बह रही है, हम पुराने पुल से जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता नीचे से था, और व्यू एक नंबर, कश्मीर फेल है।
रानू कैसा है व्यू? एकदम फन, टॉप नॉच। ओ सारी बर्फ की चोटियाँ, ओ उस तरफ भी बर्फ की चोटियाँ, ऊपर एक नंबर व्यू है। तो काफ़ी दूर और लंबी ट्रैकिंग के बाद हम काफ़ी थक गए थे, पर लेकिन व्यूज़ सारे एक नंबर थे, तो हमने सारे व्यूज़ एंजॉय करे और आपको ही मैंने सारे इस वीडियो में दिखाए हैं। तो फिर अब हमने प्लान करा था कि अब रात को यहीं रुकेंगे क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए थे। हम डायरेक्ट ऊपर नहीं जा पाए, यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर ही रह गया था। तो ये हमारे लास्ट जो है पड़ाव था, यहाँ पे हेलीपैड था, ये देखिए आप, इधर हेलीपैड था और व्यूज़ इतने प्यारे थे, इतना ठंडा मौसम, इतना अच्छी फ्रेश एयर थी, इतना मतलब अच्छा व्यू था कि बिल्कुल मज़ा ही आ गया। और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा गोविंद धाम, तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे और जाके अब रूम लेते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। बाकी जैसे भी होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग ही जाएगा। तब काफ़ी थक चुके थे तो अब सोचा है कि अब यहाँ पे स्टे करते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, बाकी आपको अगले व्लॉग के लिए हम अपडेट कर देंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे हम, कितनी बर्फ़ थी ऊपर, कितनी ठंड में हम गए हैं। तो ये सारे एडवेंचर के लिए आप प्लीज़ बने रहिए एंड होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।